हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमन और आप सभी का स्वागत है कुकिंग पैशन विद सुमन चैनल पर। और आज मैं बनाने जा रही हूं मलाई चाप रेसिपी। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप रसगुल्ले घर पर मिनटों में बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसे बनाना। ये मेरा 1 लीटर दूध है जिसे मैंने गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसे एक उबाल आने देते हैं। अब एक कटोरी पर 2 चम्मच पानी और दूसरी कटोरी पर 2 चम्मच विनेगर डालनी हूँ और इसे मैं मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब इस मिक्सचर को दूध के उबाल आने पर इसे थोड़ी थोड़ी करके डाल करके इस दूध का मैं छेना बना रही हूँ। ये देखिए, दूध हमारी फट गई है। आज मैंने बचा हुआ दूध से छेना बनाया है, इसीलिए छोटे छोटे छेने बने हैं। और जब दूध ताज़ा हो तो इसके बड़े बड़े छेने बनते हैं। अब हमारा छेना तैयार है, अब हम इसे छानते हैं। अब इस पर ठंडा पानी डालकर इसे धोते हैं ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। फिर अच्छे से निचोड़ करके आधा घंटे के लिए हैंग करके छोड़ देती हूँ। ये देखिए, छेने में से सारा पानी निकल गया है। अब मैं इसे प्लेट पर रखती हूँ। अब बारी है ट्रिक्स की, जिस ट्रिक्स की मैं बात की थी। ये मैंने मिक्सर जार लिया है, इस पर मैं अपने छेने को छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सर में डाल रही हूँ। अब इसे मैं ग्राइंड करूँगी। इसे एक बार नहीं चलाना है, इसे 2-2 सेकेंड के लिए रोक रोक के 3 बार ही चलानी है। 3 से 4 बार करनी है। ये देखिए, इसे मैंने सिर्फ 10 सेकंड के लिए ही चलाया है, इससे ज़्यादा नहीं चलाइएगा वरना ये क्रीम बन जाएगी। अब मैं इसे दूसरे प्लेट पर ट्रांसफर करती हूँ। अब ये देखिए, मैं इस पर 1 टेबल स्पून मैदा डाल रही हूँ इसे बाइंडिंग के लिए। सिर्फ मैदा को छेना पे जैसे मिक्सअप हो जाए उस तरह से इसे मैश करनी है। इसे ज़्यादा मैश नहीं करनी, इसे 3 से 4 बार ही मैश करनी है। मैदा और छेना बहुत अच्छे से स्मूथ हो गई है। अभी इसे मैं छोटे छोटे बॉल्स बनाकर पेड़े बनाती हूँ। इस कप से मैंने इस पर 1.5 कप चीनी मेजर किया है, उसे मैं इस पर डाल देती हूँ। अब मैं इसी कप से 6 कप पानी इस पर डालूंगी और गैस पर चढ़ा दिया है। अब मैं इसकी शुगर सिरप बना रही हूँ। शुगर सिरप को प्यूरिफाई करने के लिए मैं इस पर थोड़ी सी दूध डाल रही हूँ। मैं जैसा मैंने इस पर दूध डाला ताकि ये प्यूरिफाई हो सके। बहुत सारे डस्ट पार्टिकल होते हैं, इसीलिए हम इस पर दूध डाल करके इसे प्यूरिफाई कर रहे हैं। चीनी में कितने सारे डस्ट पार्टिकल रहते हैं। अब मैं इसे छन्नी की मदद से इस तरह से बाहर निकाल ले रही हूँ। अब इस छेने से थोड़े थोड़े से लेकर के इस तरह से इसकी बॉल बनानी है और इसे प्रेस इस तरह से सर्कल करके हल्का सा दबा दीजिए। एक और दिख देखिए, ये हमारे सारे छेने के रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम करके डालते हैं। अब मैंने गैस का फ्लेम को हाई कर दिया है। अब इस पर 1-1 रसगुल्ले डालती हूँ। ढककर मैं मिनट के लिए हाई फ्लेम में और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में पकाती हूँ। ये देखिए, हमारे 15 मिनट हो गए रसगुल्ला की। वाओ, बहुत अच्छे से फूल करके बन गई है। ये देखिए, मैं आपको नज़दीक से दिखलाती हूँ, एकदम दानेदार बहुत अच्छे रसगुल्ले बन गए हैं। अब इसे मैं 5 मिनट और पकने के लिए छोड़ देती हूँ। रसगुल्ला हमारी लगभग 20 मिनट तक अच्छे से पकानी है। फिर से मैं, ये देखिए, वाव, अब मैं गैस को करती हूँ बंद। अब देखिए, ये देखिए, हमारे रसगुल्ले अच्छे से एकदम बढ़िया से फूल गए हैं चारों तरफ से। बहुत बढ़िया, एकदम परफेक्ट रसगुल्ला बनकर तैयार हो गई है। एकदम दानेदार, एकदम जाली जाली बनकर तैयार हो गई है हमारे रसगुल्ला। अब मैं इसे एक प्लेट पर निकालती हूँ और इसे ठंडा करती हूँ। इसे फ्रीज रसगुल्ले को मैं इस पर रखती हूँ और इसका रस निकाल देती हूँ, एक्स्ट्रा रस। इस तरह से इसका एक्स्ट्रा रस निकल गया। अब मैं इस तरह से सारे रसगुल्ले के एक्स्ट्रा रस को निकाल लेती हूँ। ऐसे रसगुल्ले को 2 पार्ट में बीच से काट लेनी है। देखिए इस तरह से ले, कितने सॉफ्ट, कितने स्पॉन्जी और कितने जालीदार बनकर के तैयार हुई है। ये है परफेक्ट रसगुल्ले की निशानी। अब मैं इसे हाफ हाफ करके इस तरह से रख दे रही हूँ। ये देखिए, ये मेरा 1/2 कप फ्रेश क्रीम है। ये मैं फ्रिज में रखी थी। ये अच्छे से कड़ा कड़ा ठीक ठीक क्रीम है। इसे मैं इस बॉल पर डालती हूँ। 1 टेबल स्पून सा पिसी हुई शक्कर डालते हैं। अब इस पर मैं पिंच ऑफ येलो फूड कलर डालती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ।
अच्छे से मिक्सअप हो गई है। देखिए कितनी सुंदर कलर में ये कन्वर्ट हो गई है। अब थोड़ी थोड़ी सी मैं यहाँ पर ही मलाई को इस सेंटर पर रखती हूँ, इसके ऊपर ये कवर डालती हूँ रसगुल्ला की, और फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मलाई। इसी तरह मैं सारे रसगुल्ले पर मलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए हमारी रसीली रसमलाई बनकर के तैयार हो गई है। इसमें हमने फ्रेश क्रीम डाला था इसीलिए ये रसीली है। अगर मिल्क पाउडर डालते तो ये कड़े कड़े बनकर तैयार होती। तो कैसी लगी ये रेसिपी? अच्छी लगी इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। जय हिंद।